बच्चे के हेक्टेयर और हेक्टेयर सेंटीमीटर में क्या अंतर होता है ना। हेक्टेयर और हेक्टेयर सेंटीमीटर बहुत ही अंतर होता है। एक हेक्टेयर है जो कि एक क्षेत्रफल का यूनिट होता है, जबकि एक हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की मात्रा का यूनिट होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो इसके बारे में आज जानेंगे। कोई भी आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और किस तरह से हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं और जो है हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने पानी की मात्रा होती है, इसको जानेंगे। यहाँ से सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर सिंचाई करने पर कितने पानी की आवश्यकता होती है, या 5 हेक्टेयर में एक सेंटीमीटर सिंचाई करने पर या 2 सेंटीमीटर सिंचाई करने पर कितने पानी की आवश्यकता होगी, और 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को, जहाँ पर जो है आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेंगे, और जो है जो BSc या MSc या फिर अन्य किसी के छात्र हैं उनको भी इससे बहुत ही सहूलियत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो देखिए, जहाँ इधर की तरफ जो है हेक्टेयर है, उस तरफ हेक्टेयर सेंटीमीटर है। तो देखिए बेसिक अंतर क्या होता है। हेक्टेयर क्या है? हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल मापन मापन की एक इकाई है। क्या है? यूनिट, यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी जो कृषि की भूमि है उसकी एक यूनिट है, इकाई है मापन की। ये आपकी ये डेफिनेशन हो गई। और अच्छी तरह से और डेफिनेशन देना देखना देना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 100, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा, ये कोई क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो 100 सेंटीमीटर लंबा हो, 100 सेंटीमीटर चौड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? 1 हेक्टेयर कहेंगे, है ना। तो इस हिसाब से भी कह सकते हैं 1 हेक्टेयर बराबर क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र जो 100 मीटर लंबा तथा 100 मीटर चौड़ा हो, इस हिसाब से तो उसे क्या कहेंगे? 1 हेक्टेयर। हालांकि जो क्षेत्रफल की मापने की इकाई जो है वो कई है, लेकिन जो हेक्टेयर जो होती है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि भूमि की क्षेत्रफल में माप करते हैं, है ना, कृषि की दृष्टि से। तो देखो जो हेक्टेयर इसमें देख रहे हैं आप, जो है हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलना। तो 1 हेक्टेयर में क्या है, जैसे कि हमने बताया 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, तो उसी हिसाब से क्या किया, उसी हिसाब से हमने क्या किया, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। जब 100 मीटर और 100 मीटर का जब हम मल्टीप्लाईकेशन करते हैं यानी गुणा करते हैं, तो कितना हो जाता है? 10,000 वर्ग मीटर। तो देखिए इसमें जो वर्ग मीटर है वो क्या होता है, जैसे कि ये 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, जब दोनों मीटर आप समझते हैं तो क्या चढ़ा देते हैं, वर्ग चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये मीटर का चुटकी कर दिया, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं वर्ग मीटर, है ना। एक लेखन की इकाई है, इसे समझ लेना। और क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो है आपके जो है एक क्षेत्रफल दे दिया जाएगा कि आप 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, मतलब 5 हेक्टेयर है उसमें कितने वर्ग मीटर होंगे, है ना। तो आप सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं, 5 हेक्टेयर है तो, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है 5 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे 10,000 में, तो कितना हो जाएगा? 50,000, है ना, 50,000 वर्ग मीटर बराबर 5 हेक्टेयर, है ना। और दूसरी बात, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपका जो है इस तरह से, जैसे कि किसी ने बताया कि मेरा 8.8 हेक्टेयर है भूमि, है ना। तो 8.8 हेक्टेयर भूमि है तो उसमें हम कितना, वो कितने वर्ग मीटर है, तो इसमें क्या करेंगे, तो 8.8 हेक्टेयर भूमि में जब हम 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका, 1 दशमलव से 1 जीरो हट जाएगी, तो कितना आ गया आपका, आ गया 8,000 वर्ग मीटर, है ना। इस तरह से आपको सवाल जो है निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो है हेक्टेयर और हेक्टेयर सेंटीमीटर में बिल्कुल सेम नहीं करना, बिल्कुल जो डिफरेंस है बहुत ही अलग है। अब देखते हैं हेक्टेयर सेंटीमीटर को, तो हेक्टेयर सेंटीमीटर में क्या है कि यह जल की मात्रा को मापन की इकाई है, समझे। यह जल की मात्रा, मान लीजिए आप ये खेत है जो कि 1 हेक्टेयर है, यानी 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, यदि उसमें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये देखिए देखिए मैं डायग्राम को, ये जो क्या है 100 मीटर चौड़ा है, वो 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है ना, ये 100 मीटर चौड़ा है। तो जब हम इसमें 1 सेंटीमीटर कितनी, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर, इतनी 1 सेंटीमीटर सिंचाई करते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, यानी
पूरे क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर सिंचाई करते हैं तो ये हो गया 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ये कोई क्षेत्रफल की इकाई थोड़ी नहीं है, ये किसकी इकाई है, ये इकाई है आपकी पानी की मात्रा की, है ना। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर, अब इसको जब पानी की मात्रा है तो पानी को किसमें तोला जाता है, इसको तोलते हैं माप किसमें, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर हुए, 10,000 वर्ग मीटर, है ना। 1 हेक्टेयर में कितने जो 10,000 वर्ग मीटर हुए, जब 10,000 वर्ग मीटर कितनी 1 सेंटीमीटर सिंचाई, तो 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर में बदला तो 10 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, जो 10,000 थे वो 1 लाख में कन्वर्ट हो गए, यानी 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर सिंचाई करने पर हमें 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब चाहे आप सिर्फ कितने भी हेक्टेयर में पूछा जाए, उसका सिर्फ क्या करना है आपको, यह क्वांटिटी याद रखनी है 1 लाख लीटर, तो उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको किसी ने पूछा कि आपको जो है लगभग ये है 5 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर सिंचाई करनी है, कितनी करनी है 5 सेंटीमीटर, तो आपने निकाला कि 1 हेक्टेयर में हमें आवश्यकता थी 1 लाख लीटर की, है ना, 1 लाख लीटर की। और ये क्या कह रहा है कि तो 1 हेक्टेयर 1 लाख लीटर की आवश्यकता थी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको करना है कि जब हम 1 हेक्टेयर में जो 5 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की सिंचाई करनी है तो कितना हो गया, इधर भी 5 कर देंगे तो ये हो गया 5 लाख लीटर 1 हेक्टेयर के लिए। जब हम बात करते हैं 5 हेक्टेयर की तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 25, है ना, तो 25 लाख लीटर, यानी 1 हेक्टेयर में या 5 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर सिंचाई करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी वो 25 लाख लीटर होगी। इस तरह से हम जो है इससे सवाल भी निकाले जाते हैं और आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हेक्टेयर अलग यूनिट है, वो क्षेत्रफल की यूनिट है, जबकि क्षेत्रफल में जब पानी की मात्रा को निकालते हैं तो उसमें हेक्टेयर सेंटीमीटर रखते हैं। तो हेक्टेयर सेंटीमीटर और हेक्टेयर में आप अंतर समझे और इसका उपयोग भी समझे। अगर कोई किसान आपसे कहता है कि मेरा जो है 1 एकड़ है, 1 एकड़ मतलब ढाई, लगभग 1 एकड़ 5 बीघा के करीब होता है और 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है, यानी 2.45 एकड़ है, एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है। तो इस तरह से हम जो है इसमें 1 हेक्टेयर में कन्वर्ट करके यूनिटों में निकाल लेते हैं। मैं जो है नेक्स्ट आप जो कमेंट करेंगे तो मैं जो यूनिट को कन्वर्ट करने वाला एक वीडियो बना दूंगा, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आपके पास ऐसे उपयोगी वीडियो, चाहे आप छात्र हों या किसान हों या कोई भी हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही उपयोगी जो कंटेंट होगा उसी को आपको बताया जाएगा जो सभी में उपयोगी हो, है ना। ठीक है, तो नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त विद मुरली।